नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं रजत एक्सप्रेस न्यूज। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। आइए आपको दिखाते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। और हमारे चैनल को मजबूत करने के लिए हमें एक लाइक करें, हमारे चैनल को दूर दूर तक शेयर करें ताकि आपसे जुड़ी खबरें हम आप तक पहुँचा सके। आइए आपको दिखाते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। एक ऐसी पिक्चर जिसके रिलीज होने से पहले ही काफी ज्यादा चर्चा थी और रिलीज होते ही बवाल मच गया। हरो फिल्म के डायलॉग्स को लेकर चर्चा होने लगी। सोशल मीडिया पर तो इस मूवी को ट्रोल करने वालों की मानो बाढ़ सी आ गई। इसी बीच फिल्म के डायलॉग लिखने वाले मनोज मुंतशिर पर लोग काफी ज्यादा हमलावर नजर आए। अब सोशल मीडिया के अलावा देश के साधु संतों में भी इसे लेकर काफी ज्यादा गुस्सा देखने को मिल रहा है। अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने कहा कि सनातन धर्म में तथ्यों से छेड़छाड़, महापुरुषों और परमात्मा का सरलीकरण करना अक्षम्य है। इस फिल्म के डायलॉग्स संतों को पच नहीं रहे हैं। लफंगा लेखक फिल्म में टपोरी जैसे डायलॉग का प्रयोग कर रहा है जो कि संतों को स्वीकार नहीं है। आदि पुरुष के डायलॉग लेखन जिस प्रकार से हुए वो संतों को पच नहीं रहा है। मनोज वास्तव में मुंतशिर ही था जिसने शुक्ला बनने की कोशिश की और सनातन धर्म में तथ्यों के साथ छेड़छाड़ और महापुरुषों का सरलीकरण करना, परमात्मा का सरलीकरण करना, ये अक्षम्य अपराध है। और डायलॉग आज तक के भारत के इतिहास के फिल्म इंडस्ट्रीज को देखा जाए तो ये मोहल्ले के टपोरी छाए, एक मैं कहूं कि लफंगा जैसा लेखक ऐसे शब्दों का प्रयोग करता हो, यह हमें स्वीकार्य नहीं है। धर्म की क्षेत्र मर्यादा चाहती है, शब्दों का चयन शत्रुओं के लिए भी मर्यादित ही होता है और मर्यादा विहीन पटकथा लेखक और निर्देशक ऐसे कभी स्वीकार नहीं किए जा सकते। फिलहाल मूवी को लेकर अब विवाद दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि फिल्म में डायलॉग्स लिखने वाले मनोज मुंतशिर इस वक्त लोगों के निशाने पर आ गए हैं। देखना होगा कि ये विवाद आखिर कहां जाकर था।